आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। जय मां चंडी, जय शंकर। मैं आप सभी लोगों को और एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। आज मैं आप सभी के लिए और एक नया अनुभव और एक नया टॉपिक लेके प्रस्तुत हुआ हूं। आज का जो टॉपिक है वो एक साधक का काम इच्छा पूर्ति के लिए काम पिशाचिनी साधना के ऊपर है। आज का टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है। जो लोग तंत्र सिद्धि में या फिर तंत्र साधना में आना चाहते हैं, उन लोगों के लिए ये अनुभव जरूर ही सुनना चाहिए। आज के अनुभव से आप सभी लोगों को तंत्र के ऊपर बहुत सारा कुछ सीखने को मिलेगा। वचन आदि का ज्ञान लेना और वचन आदि क्यों जरूरी है वो आपको पता चल जाएगा, तथा आपको पता चल जाएगा कि साधना में या फिर तंत्र साधना में हमको कितना संयमता रखना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को और जानते हैं आज के हमारे इस विषय के ऊपर। तो मैं आप सभी लोगों को बता दूँ, ये जो अनुभव है ये मेरे एक बड़े भ्राता ने मेरे को बताया था। कभी मेरा भी एक टाइम था जब मैं सोचता था कि हाँ कोई शक्ति सिद्ध कर लेते हैं और उससे हम लाभ लेते रहेंगे, वो शक्ति हमारे लिए काम करती रहेगी। तो अब उन्होंने मैंने जब अपना ये मनोभाव उनके आगे प्रकाशित किया था, तब उन्होंने मेरे को ये अनुभव सुनाया था और आज मैं यही अनुभव आप सभी लोगों को सुनाने जा रहा हूँ। जरूर आशा करता हूँ ये अनुभव से आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस अनुभव को। बहुत साल पुरानी बात है, एक साधक था जो नया नया साधक था और उसने अघोर मार्ग में यानी कि ओघड़ मार्ग में दीक्षा प्राप्त किया था। वो साधक को गुरु सानिध्य में रहता था साधक, और वो साधक करीबन 3 साल से अपने गुरु सानिध्य में रह के गुरु मंत्र का साधना, भैरव जी का साधना, माता शमशान कालिका का साधना और बाकी कुछ मंत्र जागरण आदि क्या करता था। तो क्या होता है कि बेसिक साधनाएं कुछ होती हैं जो साधक गुरु सानिध्य में करते हैं, ओघड़ मार्ग में या फिर अघोर मार्ग में बोल सकते हैं। तो साधक क्या करता था, तो उसके अंदर एक डिफेक्ट था। साधक पूरा एकदम एक नंबर साधक था, गुरु का वाक्य कभी लांघता नहीं था। जब गुरु ने बोल दिया कि ये सिद्धि इतने दिनों में हमको चाहिए तो चाहिए ही, तो साधक भी अपना जी जान लगा के वो सिद्धियां और सौर मंत्र जागृत करता था। फल भी रिजल्ट मिलता था, गुरु को भी वो बड़ा प्रसन्न रखता था और सारी क्वालिटियाँ एक नंबर थी। लेकिन बस उसका एक डिफेक्ट था या फिर उसके अंदर एक खराब चीज़ थी कि वो अपने काम को जीत नहीं पाया था या फिर अपने कामेंद्रियों को अपने वश में नहीं ले पाया था। तो गुरु को ये चीज़ पता था। 3 साल 3.5 साल का साधना खत्म हुआ, गुरु के पास वो बैठा था। तो गुरु ने उसको बोला कि अभी तो बेटे तुम्हारा 3.5 साल 4 साल का साधना खत्म हुआ है और अभी तुम कौन सा शक्ति सिद्ध करना चाहते हो, तुम्हारे अकॉर्डिंग तुम बोलो। तो कोई वीर सिद्ध करना चाहते हो, बावन वीर साधना करना चाहते हो, स्मशान जागरण करना चाहते हो, जगदम्बिका की और ज़्यादा तरीके से उपासना करना चाहते हो, तो क्या करना चाहते हो बोलो। तो उसी समय है उसके मन में आया, क्यों ना मैं गुरुदेव को इस चीज़ इस विषय के ऊपर बात करें। तो उस शिष्य ने बोला कि गुरुदेव मैं काम वासना अपना तृप्ति के लिए कुछ साधना करना चाहता हूँ बोला। तो गुरुदेव ने बोला देखो बेटे, ये तंत्र शास्त्रों में या फिर इस लाइन में तंत्र के लाइन में तंत्र मार्ग में ये सारी चीज़ों का ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। वासना आ रही है, वासना को आने दो, वो अपने आप एक दिन बंद हो जाएगा और तुम आगे बढ़ते रहो। वासना के ऊपर ध्यान दोगे तो तुम बहुत परेशानी में पड़ जाओगे। लेकिन उसने बोला कि नहीं गुरुदेव, मैं इस चीज़ को अनुभव करना चाहता हूँ और मैं अपनी वासना तृप्ति के लिए कुछ करना चाहता हूँ। तो गुरुदेव ने बोला कि ठीक है, तुमको क्या लगता है तुमको कौन सी साधना करनी चाहिए इस चीज़ के ऊपर। तो उसने बोला कि गुरुदेव मैंने सुना था कि काम पिशाचिनी नामक एक पिशाचिनी है जो इस वासना आदि तृप्ति के लिए साधना किए जाते हैं। तो गुरुदेव ने तभी बोला कि देखो बेटे, वो साधना बहुत भयंकर साधना है, बड़े बड़े साधक उस साधना में हार जाते हैं, तुम कैसे कर लोगे वो साधना। तो उसने बोला कि नहीं गुरुदेव, आपका आशीर्वाद रहा, भगवती के आशीर्वाद रहा, तो मैं कर लूँगा। तो गुरुदेव से विनती करने के बाद, रिक्वेस्ट करने के बाद गुरुदेव भी मान गए। गुरुदेव ने उसको बोल दिया सब कुछ, विधान उसको मंत्र दिया, विधान बताया, वचन आदि का भी ज्ञान दे दिया। तो वो बहुत खुश हो गया और उसको साधना करने के लिए लग गया। साधक जो था उसको बहुत अच्छे से साधना करना था, इसीलिए सारी सामग्री उसने जुटाई। उसको जो साधना करना था अमावस्या से साधना करना था और 15 दिन का साधना था, साबर मंत्रोक्त साधना था जो उसको शमशान में करना था।
साधक पहले ही अघोर मार्ग से था तो शमशान में जाके साधना में उसको कोई दिक्कत थी नहीं। तो अमावस्या आ गया, साधक ने सारा सामग्री जुटा लिया, जाके शमशान में बैठ गया, साधना शुरू कर दिया। साधना के दौरान उसको बहुत सारी अनुभूति हुई, इतने अनुभूति कि मतलब कहीं आ रहे हैं शमशान की शक्तियाँ उसको डरा रही हैं, कहीं पे उसका कुछ परीक्षा लिए जा रहे हैं, कहीं पे उसको साधना से उठाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन साधक डरा नहीं क्योंकि साधक बहुत मनोबल साधक था, यानी कि उसका मनोबल बहुत तीव्र था, जिसकी वजह से साधक डटा रहा, साधना करता रहा। उसके गुरुदेव ने बोला था कि ये साधना साधक को कम से कम 2 से 3 बार में सिद्ध होती है, लेकिन ये साधक का जो 3 साल इसने कड़ा तपस्या किया था, इसका तपोबल इतना बढ़ गया था कि पहली बार में ही जब इसने साधना का अंतिम दिन था और जाप खत्म करके जो हवन देना था, मदिरा आदि मांस आदि का अर्पण करना था, तो वो जब वो पिशाचिनी को किया था तो अंतिम दिन ही पिशाचिनी उसके सामने हाजिर हो गई। तो जब हाजिर हो गई तब वो देख के बहुत उतावला हो गया। ओके, जब उतावला हो गया तो उसके गुरु ने कुछ वचन बोले थे कि पिशाचिनी से सारी शक्तियों की तरह वचन नहीं लेते, तो उसको लिए कुछ स्पेशल वचन होते हैं, वो वचन लेना चाहिए बोल के गुरुदेव ने बोला था, लेकिन उतावलेपन के कारण वो उस चीज़ को भूल गया और उसने नॉर्मल वचन ले लिए कि मैं जब भी बुलाऊंगा आपको आना पड़ेगा, मेरा जो भी काम है वो आपको करना पड़ेगा, ओके, और आप अपनी तरफ से कोई भी चीज़ मेरे को नहीं मांगेंगे, फिर कोई भी भोग मेरे से याचना नहीं करेंगे आदि आदि बोल के वो 3 वचन उसने ले लिए। तो पिशाचिनी जो थी उसने भी वचन दे दिया। जब पिशाचिनी ने वचन दे दिए तब पिशाचिनी ने बोली कि हे साधक, मैं आपसे तभी सिद्ध होऊंगा कि जब आप मेरे को एक वचन दें, ओके। तो उसने बोला, वचन साधक ने बोला, हाँ बोलिए आप कौन सा वचन था। तो पिशाचिनी ने बोला कि मैं जब भी आऊँगे आपको मेरे को तृप्ति करना पड़ेगा, अपने काम से तृप्ति करना पड़ेगा बोला। तो साधक ने बोला कि इसमें क्या बड़ी चीज़ है, हाँ ठीक है कर लिया जाएगा, कोई इशू है नहीं। जब सीधा बोल दिया था पिशाचिनी कि जब भी आऊँगी आपको काम मेरे को काम तृप्ति करना पड़ेगा, साधक उतावलेपन में वचन दे दिया पिशाचिनी को। तो जब ये सारी चीज़ें हो गया तो पिशाचिनी सिद्ध होने के बाद उधर ही उसके साथ भोग करने लगी, ओके, और वो भी बड़ा साधक तृप्त हुआ। ऐसे लगातार 2-4 दिन गए, पिशाचिनी भी उसके साथ भोग करती थी, पिशाचिनी को साधक बुलाता था और उसके साथ भोग करता था, कई बार पिशाचिनी उसके लिए कुछ काम भी ढूंढ के ला लेती थी जिसके वजह से उसको धन अर्जन भी हो जाता, यानी कि धन भी उसके पास आ जाते। तो पिशाचिनी इस तरह से भी काम किया करती थी, साधक जो था अपने जो क्लाइंट्स होते थे उसके जो कुछ क्लाइंट्स होते थे यानी कि कुछ लोगों का जो काम करता था उनसे भी उनके काम को सिद्ध करने के लिए वो पिशाचिनी का भी हेल्प लेता था, तो पिशाचिनी वो भी कर देती थी और पिशाचिनी को ये भोग और बाकी अपना जो सब कुछ पूजा आदि देता था। तो इस तरह से पिशाचिनी भी चलता रहा। करीबन 1 महीने के बाद जब साधक को लगा कि अब मेरे को फिर से साधना करना चाहिए, जब उसकी काम तृप्ति पूर्ण हो गई, यानी कि वो इतना वासना में लिप्त रहा करीबन 1 महीने तक कि उसकी सारी जो वासना है वो नष्ट हो गई, खत्म हो गई, उसकी और कोई रुचि ही नहीं रही उस वासनाओं में, उस संभोग की क्रियाओं में, तब उसने सोचा कि नहीं अभी मेरे को इससे विमुख होकर माता भगवती और बाबा महादेव की ओर जाना चाहिए, फिर अपने इष्ट की ओर जाना चाहिए। तब क्या हुआ कि एक अष्टमी का रात था, अष्टमी रात को उसने सोचा कि नहीं अब मैं माँ भगवती की साधना करना चाहता हूँ और साधना के लिए बढ़ना चाहिए मेरे को आगे। जब वो बैठ गया, बैठने के वक्त पूजा ठीक शुरू करते वक्त ही पिशाचिनी प्रकट हो गई और पिशाचिनी जब प्रकट हो गई तब उसने बोला कि अभी मेरे को भोग चाहिए, तो संभोग करो मेरे साथ, पिशाचिनी ने बोला। साधक ने बोला मैं अभी साधना में हूँ, आप जाइए, मैं आपको मतलब कभी बाद में बुला लूँगा। तो पिशाचिनी ने बोला तूने मेरे को वचन दिया था कि मैं जब भी आऊँगी तुझको मेरे साथ संभोग करना पड़ेगा और मेरे को तृप्त करना पड़ेगा। तो साधक ने बोला कि अभी नहीं कर सकता, मैं भगवती की साधना में हूँ। तो वचनबद्ध है बोल के पिशाचिनी ने क्या किया कि उसके साथ जबरदस्ती संभोग करने की कोशिश की, संभोग किया जबरदस्ती, तो साधक का स्खलित हुआ, पवित्र अवस्था में साधक गया, उस दिन साधना नहीं कर पाया। फिर जब अगला दिन साधना करने की कोशिश की, सुबह शाम पूजा करने की कोशिश की, फिर पिशाचिनी प्रकट होती थी और फिर उसका ये हाल होता था। तो जब उसने देखा कि इस पिशाचिनी के वजह से वो साधक बिल्कुल भी साधना नहीं कर पा रहा है, साधना तो नहीं कर पा रहा है वो अलग बात है, ये रोगग्रस्त होने लग गया था धीरे धीरे करके, इसको थोड़ी बीमारियाँ शुरू हो गई थी, जो अगर बोला जाए तो उसके शायद पेट में बहुत दिक्कत होने लग गए थे, साधक को हमेशा हेडेक रहती थी,
वो ज़्यादा समय ये नहीं कर पाता था, रात भर सो नहीं पाता था, तो वो फिर भी बावजूद भी वो उसको रखा था पिशाचिनी को। लेकिन ये साधक ने क्या किया कि जब इसने देखा कि रोगग्रस्त हो रहा हूँ, इस तरह से मेरे को पूजा आराधना भी करने नहीं देती और इस तरह से ये है बोल के जब उसने देखा, तो इसके सामने बस एक ही उपाय था कि अपने गुरु के पास जाओ और इस चीज़ के ऊपर बताओ। तो अगले दिन ये अपने गुरु के पास गया, गुरुदेव को चीज़ें बताई, गुरुदेव को बताएं कि गुरुदेव ऐसा ऐसा है, मैंने सिद्ध किया, अब ये पिशाचिनी ना मेरे को पूजा करने देती है, ना मेरे को कुछ करने देती है, जब भी आती है मेरे साथ संभोग करने लग जाती है, सीधा मेरे बिना मर्जी की भी संभोग करने लग जाती है, और मैं मेरा सबसे बड़ा चीज़ ये है कि मैं रुग्ण हो रहा हूँ या फिर रोगग्रस्त हो रहा हूँ, मैं कुछ काम सही से नहीं कर पा रहा हूँ, मेरा जीवन सही से नहीं चल रहा, कृपया मदद कीजिए। तभी गुरुदेव ने बोला कि तुमने साधना कैसे कैसे किया बताओ, अभी क्या क्या वजन लिया, क्या क्या कैसे कैसे किया। उसने जब सब कुछ बताया तब उसके गुरुदेव ने बताया कि मैंने तुमको बोला था कि वचन इस तरह से नहीं लिया जाता पिशाचिनियों से, वचन का कुछ और भी रहता है, तो वो तुमने किया है नहीं, तुमने उतावलेपन में कुछ और ही वचन ले लिए हैं, अब पिशाचिनी आके तुम्हारे साथ संभोग करेगी, तुमने क्योंकि उसको वचन दिया है कि पिशाचिनी जब आएगी तब उसके साथ तुमको भोग करना पड़ेगा। इसके बाद तो और एक बात कि क्यों पिशाचिनी तुमको पूजा नहीं करने दे रही, इसीलिए क्योंकि अगर तुम्हारे अंदर महाशक्तियों का स्थापित हो गया, महाशक्तियाँ स्थापित हो गई, तो पिशाचिनी तुम्हारे पास नहीं आ पाएगी और तुम मतलब एक तरह से हाई लेवल के बन जाओगे, हाई लेवल के साधक बन जाओगे और पिशाचिनी तुम्हारे पास नहीं आ पाएगी और तुम्हारी प्राण ऊर्जा या फिर जो तुम्हारी ऊर्जा है उसको शोषण नहीं कर पाएगी। तो उस शिष्य ने गुरुदेव से पूछा कि मतलब इसका मतलब क्या समझो गुरुदेव, तो उसके गुरुदेव ने बोला कि पिशाचिनी तुम्हारे साथ संभोग कर रही है इसीलिए क्योंकि तुम्हारी वो प्राण ऊर्जा खींच रही है, तो जब तुम्हारी प्राण ऊर्जा वो खींच रही है तो वो अधिक बलशाली हो रही है, और जब वो पूर्ण बलशाली यानी कि तुम्हारी सब पूर्ण प्राण ऊर्जा खींच लेगी तब तुम मृत्यु को प्राप्त करोगे और तुमको वो लेके अपने लोक में चली जाएगी और तुम्हारे मतलब तुमको नौकर बना के रख लेगी। इस तरह से गुरुदेव उसके गुरुदेव ने उस शिष्य को बोला। तो शिष्य बहुत रोने लगा कि गुरुदेव मेरी भूल हो गई है, मैं आपकी बात नहीं समझ पाया, वासनाओं का ये मेरे सिर पे इतना हावी हो गए थे कि मैं मतलब डर मतलब इस चीज़ को तृप्त करने के लिए बहुत ये उतावला हो गया था, कृपया आप मदद कीजिए। तो गुरुदेव ने बोला कि आज तुम आश्रम में ही रुको और आज रात ही हम अनुष्ठान करके ये सारी चीज़ को दूर करेंगे। तो उसी समय ही गुरुदेव ने अपने 10-15 शिष्यों को बुलाया और 10-15 शिष्यों को बुलाने के बाद गुरुदेव ने एक महाअनुष्ठान का एक क्रिया शुरू किया। जब वो जब गुरुदेव थे, उस गुरुदेव ने उन सभी शिष्यों को बता दिया ये मंत्र होगा, इस प्रकार से हवन होगा, और एक महाहवन अनुष्ठान का उन्होंने आयोजित किया, और आयोजित करने के बाद उन्होंने रात 11:30 के करीबन वो हवन शुरू कर दिया। हवन जब शुरू हुआ तब साधक को नहला धुला के, जिस साधक का था तो उसको नहला धुला के एक आसन के ऊपर बिठा दिया गया, उसके ऊपर आगे रख के हवन शुरू किया गया। जब हवन शुरू किया गया तब वो पिशाचिनी प्रकट हो गई और वो हवन नष्ट करने के लिए कोशिश किया, क्योंकि जो हवन था वो महाभैरव हवन था, यानी कि एक तरह से क्रोधपति का हवन था और क्रोधपति के हवन किया गया उधर। तब क्रोधपति का हवन जब पूर्ण हुआ तब वो पिशाचिनी प्रकट हुई और बोली कि ठीक है मैं इसके शरीर को छोड़ के जाती हूँ और ये मेरे को बस विसर्जित कर दे बोल के बोला। तभी उसके गुरु ने उस जो शिष्य को अपने शिष्य को जो उसने पिशाचिनी सिद्ध कर रखी थी उसको बोला कि तुम इस अभी इसको विसर्जित करो बोला। तो उस क्रिया करते हुए उस शिष्य ने उस पिशाचिनी को मतलब विसर्जन आदि का मंत्र पढ़ते हुए उस पिशाचिनी को विसर्जित कर दिया उसकी शक्तियों को, तब जाके वो पिशाचिनी चली गई और इसके जीवन सुधरा। इसके बाद जो ये शिष्य था इसने पूर्ण मतलब पूर्ण अभिषेक दीक्षा ग्रहण किया, संन्यास धारण किया, अपने गुरु सेवा में और अपनी भगवती और ईश्वर प्राप्ति की साधना में लग गया, और उस दिन के बाद उसने कभी भी इन मोहों के ऊपर वासनात्मक विचारों के ऊपर ध्यान नहीं दिया और आगे बढ़ता गया, बहुत बड़ा अभिसाधक बन गया। तो इस तरह से ये अनुभव था। इस अनुभव से हमको पहले कुछ सीखने मिलता है वो मैं बताता हूँ, फिर आपको और चीज़ें भी बताऊँगा। इस अनुभव से हमको ये सीखने को मिलता है कि कोई भी हम साधना कर रहे हैं, कोई भी तंत्र साधना कर रहे हैं, उसके अंदर कभी भी हमको वासना भाव या फिर हमारी कोई भी जो षड रिपु हैं काम क्रोध लोभ मोह मद मश्चर्य इस तरह से ये जो षड रिपु हैं इन षड रिपुओं को उसके अंदर एंट्री नहीं करवाना चाहिए। अगर हम इन षड रिपुओं को एंट्री करवा देते हैं तो हमारी साधना विफल हो जाती है। हमेशा हमारे हम अपने इंद्रियों को काम इंद्रिय हैं कर्म इंद्रिय हैं श्रवण इंद्रिय हैं इस तरह से इन सारी इंद्रियों को हम अपने वश में करना चाहिए, तभी जाके कोई भी तांत्रिक साधना करना चाहिए और तांत्रिक साधना सफल भी होती है। ये पहली चीज़ है। दूसरी चीज़ यह है, कोई भी साधना में उतावलापन
सही नहीं रहता। चाहे आप कितना भी बलवान हो, कितना भी शक्तिदार इंसान हो, कितने भी आपके अंदर तपोबल हो, किंतु आपने उतावलापन दिखाया तो साधना आपको बहुत भारी नुकसान पहुंचाती है। तांत्रिक साधना स्पेशली बोल रहा हूं, तो कोशिश कीजिएगा सभी कि कभी भी उतावलेपन में साधना ना कीजिए। अगर उतावलेपन में अगर आप साधना करते हैं तो आपको बहुत सारी हानि झेलने पड़ेंगी। जैसे इन साधकों को हुआ, उतावलेपन में ये विधियाँ भूल गई, वचन का जो विधान था वो भूल गए और साधना संपन्न करने की कोशिश की, फिर जिनके साथ हुआ ये ही चीज है। तो दूसरी चीज़ यह है कि कभी भी उतावलेपन में साधना ना करें, नियम विधि और सारे विधि विधानों को जान के साधना करें। तीसरी चीज, कभी भी पिशाच या फिर इतर योनि की साधना जीवन में नहीं करनी चाहिए। इन योनि की साधना से साधक निम्नगामी होता है, ऊर्ध्वगामी नहीं होता। अगर आपको साधना ही करना है, किसी शक्ति को सिद्ध करना है, तो अब आप अप्सरा हैं, यक्षिणी हैं, नायिका हैं, गंधर्व हैं, किन्नर हैं, ओके, इतनी सारी शक्तियां हैं जो उच्च कोटि की हैं और जब आपको सिद्ध होती हैं तो आपको बहुत सारे बेनिफिट्स भी देते हैं, आपकी एक सही तरीके से साधना मार्ग आगे बढ़ाते हैं। तो इन शक्तियों को आप चाहें तो सिद्ध कर सकते हैं, लेकिन सिद्ध करने के लिए भी आपको दीक्षा आदि का ध्यान देते हुए इस शक्तियों को सिद्ध करना होता है। ओके, ये है तीसरी चीज। चौथी चीज यह है कि जब भी कोई भी आप गुरु से दीक्षा लें या फिर कोई भी चीज़ें कर रहे हैं, जैसे साधना के तांत्रिक साधनाओं का आप ग्रहण किया है साधना दीक्षा, तो पहले जांच लें कि वो साधना में क्या क्या है, क्या क्या गलत है, उसका मतलब डिमेरिट्स क्या है, उसका मेरिट्स क्या है, वो सारी चीज़ें जांच लें तभी जाके साधना करें, नहीं तो आपको आगे बहुत दिक्कत हो सकती है। ये कुछ चीज़ें हैं जिस चीज़ों को हमको ध्यान देना चाहिए। सबसे बड़ी बात, बहुत लोग बोलते हैं काम वासना, तो जो साधक अपनी काम वासना को अपने नियंत्रण में नहीं रख सकता, अपने नियंत्रित नहीं कर सकता, जो बहुत लोग बोलते हैं हमारा स्खलित हो जाता है साधना के दौरान, तो वैसे साधकों को चाहिए कि वो साधना में कभी भी अपने वासना को ना आने दें। अगर आने देते हैं तो वो तांत्रिक साधना ना करें, नहीं तो उनको अपने जीवन में बहुत हानि झेलनी पड़ सकती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर आप काम वासना से युक्त होकर किसी भी तांत्रिक शक्ति का उपासना करेंगे तो वो शक्ति उस चीज़ से रिलेटेड आपकी परीक्षा लेगी। अगर आप उस परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो पाए या फिर वो परीक्षा को आप क्रॉस नहीं कर पाए और आपका साधना खंडित हो गया, तो वो आपको बहुत सारे नकारात्मक प्रभाव देगी। इसीलिए कभी भी वासना से युक्त होकर किसी भी तांत्रिक साधना, अभी मैं इसमें तांत्रिक साधना बोल रहा हूँ, इसका मतलब है कि अप्सरा, यक्षिणी, गंधर्व, किन्नर आदि की साधना संपन्न ना करें। ये तांत्रिक साधनाओं की कैटेगरी में आते हैं। अगर आप करते हैं तो आपको ये बहुत भारी नुकसान दे सकते हैं। इसीलिए जब आप साधना करें तब आप अपनी जो इंद्रिय हैं, काम इंद्रिय हैं और बाकी जो इंद्रिय हैं और षड रूपों हैं, उनको दमन करते हुए साधना करें। ओके, अगर आप दमन नहीं कर पाते तो गुरु सानिध्य में जाइए, गुरु साधना कीजिए, गुरु से इन सारी विद्याओं को सीखिए और अपने इंद्रियों को वश में करते हुए, अपने षड रूपों को अपने वश में करते हुए साधना आदि संपन्न कीजिए, तभी आप एक सिद्धवान और एक अच्छे साधक बन पाएंगे। अगर आप नहीं करते हैं और खुद अपने तरीके से साधना करने की कोशिश करते हैं तो आप अपने जीवन में जरूर ही अपनी ही हानि को ग्रहण करेंगे। तो यही था कुछ आज का वीडियो, आशा करता हूँ आप सभी लोगों को समझ आ गया होगा मैं जो समझाने की आपको कोशिश किया कि साधना में क्यों हमको अपने षडरिपु और अपने इंद्रियों को अपने बस में करके साधना करना चाहिए। अगर समझ आ गया है, वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जो लोग नए हैं सब्सक्राइब करके घंटी वाला बेल आइकन ऑल पे सेट कर दें ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक पहले पहुंचे। और एक बात, डिस्क्रिप्शन में आप सभी लोगों को मेरे सेकंड चैनल का लिंक मिल जाएगा। उस चैनल में अप्सरा, यक्षिणी और गंधर्व, किन्नर बहुत सारी ऐसे तांत्रिक साधनाओं के साथ ज्योतिषी आदि के ऊपर भी डालता रहता हूँ, तो जाके वो चैनल को भी आप चेकआउट कीजिए। उस चैनल पे भी वीडियो है, उसको भी देखिए, उसको अच्छा लगता है उधर भी आप उस वीडियो को लाइक कीजिए, उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि उसका भी मैं जो वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक पहुँचे और वो वीडियो भी आप सभी लोग देख पाएँ। तो यही था कुछ आज का वीडियो, सभी को मेरा नमस्कार। जय माँ चंडी, जय शंकर। मिलता हूँ आप सभी लोगों को और किसी नए वीडियो में।